झारखंड के साहिबगंज में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है। दरअसल श्रद्धा की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि साहिबगंज में 22 साल की राबिका की भी उसी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि राबिका के पति दिलावर अंसारी और उसके घर वालों ने पहले राबिका की हत्या की और उसके बाद राबिका के शव के लोहा काटने वाले कटर से 50 टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक दिए। पुलिस के मुताबिक राबिका दिलावर की दूसरी पत्नी थी और दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते थे। घटना का पता तब चला जब महिला के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की और इस दौरान पुलिस को राबिका के शव के टुकड़े बरामद हुए। बताया जा रहा है दिलावर अंसारी ने करीब 10 दिन पहले ही राबिका को अपनी बेगम बनाया था, लेकिन दिलावर के घर वालों को उसका रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके पीछे की वजह थी दिलावर का पहले से शादीशुदा होना, लिहाजा दिलावर ने अपनी दूसरी पत्नी राबिका के साथ रहने के लिए बोरियो में एक मकान किराए पर लिया था, लेकिन मुश्किल से वहां 5 से 6 दिन बिताए। इसके बाद दिलावर की मां राबिका को अपने घर ले गई। वहीं अब राबिका के पिता और बहन उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शुक्रवार वो लड़का जो हमको बताया कि शुक्रवार से लड़की आपका लड़की गायब है, नहीं है, बताया के बजे तक, तो हम बोला कि 6 बजे। 6 बजे से कहाँ निकला हमको भी पता नहीं है, कहाँ निकला है लड़की का। तो फिर हम लोग गया मार्केट, जो सनिचार था मार्केट, आ दिया कैसा है कि लड़की आपके लड़की पीस कर दिया, टुकड़ा कर दिया है, ना टुकड़ा मिला है, 100 पीस जैसा टुकड़ा किया है। थाना से हमको सूचना दिया, फिर वो लड़का भी हमको सूचना दिया, वही लड़की है। बोला वो पहले जो बताया कि नहीं, हम भी कहाँ गया कहाँ नहीं, बाद में लाया साया यहाँ लाया बोरिया थाना, तो बोला कि नहीं वो लड़की वही ही लगता है, 100 जैसा टुकड़ा कर दिया। उसको चाहते हैं कि 35,000 भी करना चाहते हैं, उसको घर भी तोड़ते करना चाहते हैं। कई ऐसा कि हम लोग का गरीब आदमी को ना चाहते रहिएगा, उसको पैसा है ना, राजा है, बोलेगा हमको पैसा है तो हम लोग जो निकाल भी सकते हैं, पूछे थाना में, जो थाना कोर्ट में दे के पैसा निकाल, वो भी निकल जाएगा। मेरा बेटी चला गया है, उसको पीस कर दिया। उसका मम्मी उसका मामा घर लेके वहाँ मरवाई है, वैसे खबर हम लोग को मिली है, तो हम लोग यहाँ आ गया था ना, और हम लोग को डर है कि हम लोग को भी वो लोग छोड़ेगा नहीं, एक एक करके मारेगा सब लोग, कि डर है कि उसी को मार दिया, उसका घर में शादी हो गया उसको मार दिया, तो वो लोग तो हम लोग को तो नहीं ना छोड़ेगा सर, तो वो लोग को फांसी का सजा होना चाहिए। बता दें कि बोरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली राबिका और दिलावर की प्रेम कहानी से पूरा इलाका वाकिफ था। पहले भी दोनों घर से फरार हो चुके थे, बाद में परिवार वालों ने उन्हें समझाकर वापस घर भेजा था। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में हुई पंचायत के बाद दोनों ने करीब 10 दिन पहले ही शादी की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।